घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुंबई और उत्तर प्रदेश के बीच 14 मार्च को दिल्ली में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में मुंबई ने कर्नाटक को 72 रन से शिकस्त दी है, वहीं यूपी ने गुजरात टीम को 5 विकेट से शिकस्त दी है। मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ ने गुरुवार को एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वे एक सीजन में सबसे ज्यादा 754 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल हैं, जिन्होंने 737 रन बनाए हैं। दोनों ने मयंक अग्रवाल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मयंक ने 2017-18 में सीजन में 723 रन बनाए थे। पृथ्वी शॉ ने कर्नाटक के खिलाफ सेमीफाइनल में 122 गेंदों पर 165 रन की पारी खेलने के साथ ये उपलब्धि अपने नाम की है। पारी के दौरान पृथ्वी ने 7 छक्के और 17 चौके भी जड़े थे। इसके बदौलत मुंबई ने कर्नाटक को 50 ओवर में 323 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में कर्नाटक की टीम 42.4 ओवर में 285 रन बना सकी। टीम के लिए पडिक्कल ने 64 गेंदों पर 65 रन की पारी खेली। इस पारी के बदौलत उन्होंने मयंक अग्रवाल को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि पहली पारी में पृथ्वी और मयंक का रिकॉर्ड तोड़ चुके थे। आउट होने के साथ ही पडिक्कल लगातार 5वां शतक लगाने से बिल्कुल चूक गए। इससे पहले 4 मैचों में वे सेंचुरी लगा चुके हैं। 21 साल के पृथ्वी शॉ ने 89 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया था। इस दौरान उन्होंने 3 छक्के और 12 चौके लगाए थे। आखिरी में उन्होंने 122 गेंदों में 165 रन बनाए। उन्हें मीडियम फास्ट बॉलर विजय कुमार ने LBW किया। कर्नाटक के विजय कुमार ने सबसे ज्यादा 4 और प्रसिद्ध कृष्ण ने 3 विकेट लिए। पृथ्वी ने इस सीजन में अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें 188.50 की औसत से 754 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक भी लगाए हैं। पृथ्वी शॉ ने 25 फरवरी को पुंडुचेरी के खिलाफ नाबाद 227 रन की पारी भी खेली थी। वहीं पिछले ही मैच में उन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ नाबाद 185 रन बनाए थे। उनके बाद सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में देवदत्त पडिक्कल का नाम है। सेमीफाइनल के पहले पडिक्कल 695 रन बनाए थे। पृथ्वी ने पिछले 3 मैच में ही मुंबई की कप्तानी संभाली है। इसमें टीम को जीत भी मिली है। साथ ही पृथ्वी ने इस दौरान 1 डबल सेंचुरी और 2 शतक भी लगाए हैं।